सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कुर्ती में नेक डिजाइन कैसे बनाएं। तो नेक डिजाइन के लिए मैंने ये प्रिंटेड कपड़ा लिया है, ये एक प्लेन कपड़ा लिया है और ये मेरा कुर्ती है। तो जो पैच है मैं इस कलर का डालूंगी और इस कलर की मैं पाइपिंग दूंगी। तो अभी आपको नेक की कटिंग बताती हूँ और बताती हूँ कुर्ती कैसे क्या साइज है। जैसे कि कुर्ती का साइज है 34 साइज की कुर्ती है ये, और मैंने साइज के अनुसार इसको कट कर लिया है। तो अभी हम नेक डिजाइन बनाने के लिए हम डायरेक्ट कुर्ती पर कट नहीं करेंगे, बुकरम पर कट करते हैं और उसके बाद जो हमने ये पैच के लिए कपड़ा लिया है इसको कट करेंगे। तो ये मैंने बुकरम कट कर लिया है। अब बताती हूँ आपको कितना फोल्ड करना है, इतना इंच। तो जैसे मैंने ये 4.5 इंच लिया है डबल में, और लंबाई नेक का आप अपने साइज के अनुसार रख लें। जैसे कि मुझे तैयार में 6 इंच चाहिए, तो आप हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लें जो कि हमारा शोल्डर पर सिलाई मार्जिन रहेगा, और जो ब्रॉड चाहिए उसका ले लें। जैसे कि मैं 3 इंच ले रही हूँ ब्रॉड में नीचे से, और शोल्डर से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि शोल्डर से ब्रॉड नहीं लेना है। और इस तरह से ड्रॉ कर लें। और अभी हम इसमें, जैसे मैं इसमें राउंड नेक बना रही हूँ, आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। तो मैंने ये 1 इंच लिया है। उसके बाद हम इसकी गुलाई कर देते हैं। सेम ड्रॉ पे इसको कट कर लेते हैं। देखिए ये ड्राफ्ट निकल गया। अभी इसकी जो चौड़ाई ले रहे हैं हम, वो 1 इंच ले रहे हैं। तो 1 1 इंच पे आप निशान लगा लें। जो निशान लगाया है इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये नेक कट कर कंप्लीट है। अभी सेम नेक को मैं जो ये येलो कलर कपड़ा लिया है इसमें मैं इसको अटैच करूंगी। तो आप इसको साइज के अनुसार ले लें, पहले बड़ा ले लें, बाद में इसकी हम कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो ये कपड़ा लिया है, और मैं ये रेड कपड़ा लूंगी, ये भी मैं सेम साइज का ले लूंगी। जैसे कि बचे हुए कपड़े रहते हैं आपके कुर्ती या ब्लाउज के किसी के भी, तो आप किसी तरह के कपड़ों को भी यूज कर सकते हैं पाइपिंग के लिए। इसका आपको पैच डालना है, उस कपड़े को आप पहले नीचे रख ले, और ये रेड कपड़ा मैंने ऊपर रखा है जो कि मैं इसमें पाइपिंग डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसको जो ये नेक है पहले इसमें स्टिच कर लूंगी, तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें पाइपिंग देके फिर साइड का है उसको फोल्ड करेंगे। तो ये तो हमारा नेक हो जाएगा। अभी जो आउट साइड है, जो बाहर की साइड है, यहाँ पर मैं डिजाइन डालूंगी तो वो बताती हूँ। तो जो हमारा ये येलो कलर का कपड़ा है हम इसकी डिजाइन डालेंगे, इसको साइड में रखते हैं और इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो ये 2 इंच ले लें आप, चौड़ाई और लंबाई 2 2 इंच का ले लें। तो ये चौकोर हो जाएगा हमारा कपड़ा। इसी तरह के 2 2 इंच के कपड़े आप कट कर लें। इसी तरह मैं सारे पीस कट कर लूंगी। ये मैंने नेक कट कर लिया था, और सेम कैनवास और ये पट्टी भी कट पीसेस कट कर लिए हैं। ये अभी डिजाइन में कट नहीं किया है क्योंकि पहले मैं, जैसे हम नॉर्मल स्टिच करते हैं तो इस अंदर की साइड स्टिच डालते हैं पहले, लेकिन मैं इसमें पाइपिंग देने वाली हूँ आउट साइड में, इसीलिए मैं बाहर की तरफ पहले स्टिचिंग डालूंगी, उसके बाद इसको पलट कर फिर से अंदर की तरफ स्टिचिंग डालेंगे।
तो ये मैंने बाहर स्टिच डाल दी है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हाफ इंच छोड़ देते हैं, बाकी को कट कर देते हैं। तो देखिए ये मैंने कट कर दिया, बीच बीच में कट मार दें जिससे कि हम फोल्ड करें तो आसानी से फोल्ड हो जाए। खाली जो हमारा कपड़ा है वहीं तक कट मारें, बुकरम तक न मारें। अभी इस पीस को हम इस तरह से पलट देते हैं। अभी जैसे मुझे रेड की खाली पाइपिंग डालनी है और येलो वाले का पैच रखना है, तो अभी जो जिसका पाइपिंग डाल रहे हैं आप उसको अंदर की साइड रखें और जिसका पैच डालने वाले हैं उसको बाहर की साइड रखें। तो देखिए अभी इस तरह से करते हुए मैं यहाँ पर किनारे पे स्टिचिंग डाल दूंगी पूरा राउंड नेक में। तो ये इस तरह से मैंने स्मॉल पाइपिंग देके पूरा राउंड में स्टिच डाल दी है। आप देखिए इस साइड रेड कलर इस तरह से। अभी जो रेड कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे, तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखता नहीं है हमारी बुकरम कितना आ रहा है, तो आप इसको अंदाज से थोड़ा ज़्यादा कट कर लें, बाद में इसकी फिनिशिंग दे दें, क्योंकि नीचे वाले को अभी हमको कट नहीं करना है, बाद में कट करेंगे कुर्ती में अटैच करने के बाद। अभी यहाँ पे आपको बुकरम दिखाई दे रही है, अगर दिखाई नहीं देती है तो आप इसको इस तरह से उल्टा करके यहाँ पे स्टिचिंग निशान लगा लें। तो मैं अभी जो बुकरम है इसके ऊपर पहले स्टिचिंग डाल देती हूँ। इसको एकदम साइड से इसको कट कर दें। ये पैच हमारा तैयार हो गया। अभी हम इसको कुर्ती पर अटैच करते हैं। तो जो कुर्ती हमारी सेंटर से ऑलरेडी फोल्ड है, अगर आपकी कुर्ती फोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से इसको यहाँ पर, तो ये कुर्ती का सेंटर ले लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर दिया था और डार्क लाइन पड़ गई है और उसी पे मैंने चौक का निशान लगा दिया, और एक ऊपर यहाँ पर आप कट दे दें सेम। पैच को भी इस तरह से उल्टा रख लें और ये देख ले सभी तरह से बराबर आ जाए, और इसका भी यहाँ पे सेंटर में कट देते हैं, और इसी तरह नीचे साइड में भी इस पे एक निशान लगा ले। तो ये कुर्ती मैंने उल्टी रखी है और इस पैच को मैंने इस तरह से, उल्टी कुर्ती के ऊपर ये सीधा पीस है और ये उल्टा आ रहा है, तो इस तरह से रख लिया मैंने। और यहाँ पे मैं पहले एक सेंटर में स्टिच डाल दूंगी जिससे कि ये सेट हो जाएगा, बाद में हम इसमें राउंड में डालेंगे। और जहाँ तक आपका ये बुकरम है सिर्फ वहीं तक स्टिच डालें, नीचे तक ना डालें। उसके बाद पूरा नेक शेप में इसके बाद अभी जो हमारा ये नेक है ये हाफ इंच छोड़ने के बाद पूरा कट कर दें। और बीच बीच में कट भी दे दें। इसके बाद कुर्ती को सीधा कर लें और इस पैच को इस तरह से फोल्ड कर लें। अभी जैसे मैं इसमें ग्रीन पाइपिंग देने वाली हूँ, तो मैंने जो ग्रीन कपड़ा है अंदर का वो इस तरह से ले लिया है। तो अब देखिए इस तरह से हमारे दो, एक तरफ ग्रीन और एक तरफ रेड दोनों साइड में पाइपिंग दिखाई देगी। तो ये मैंने अंदर की तरफ पूरा स्टिच कर दिया है, ये बाहर देखिए पूरा खुला हुआ है। अभी जो मैंने ये कपड़े कट किए थे उसकी मैंने इस तरह की डिजाइनें बनाई हैं, और इस तरह की डिजाइन कैसे बनानी है वो आपको अभी बताती हूँ।
तो एक कपड़े को इस तरह से लें जैसे कि हमने चौकोर कट किया था, यहाँ से आप इस तरह से इसको रोल बनाते जाएं। रोल बनाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर दें, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर स्टिच डाल दें जिससे कि ये लॉक हो जाएगा। तो सारी डिजाइनें बनकर तैयार है हमारी। अभी हम नेक में अटैच करते हैं। तो जो नेक है हमारा, ऊपर हाफ इंच छोड़ दें जो कि सिलाई में चला जाएगा, शोल्डर पे जो मार्जिन लेते हैं, और आप जितना इसको हाफ इंच रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से इसको अंदर की तरफ दबा दें। जितना आप रखना चाहें उतना बाहर की साइड में रखें। जैसा कि देखिए इतना सा हाफ इंच के आसपास मैं बाहर रखना चाह रही हूँ, तो मैंने इस तरह से इसको दबा दिया है। जो हमको स्टिच डालनी है वो आप ये चीज़ देख लें कि जो हमारी रेड कलर की पाइप है ना, सिलाई उसके ऊपर ना जाए, साइड से जाना चाहिए। तो इस तरह से डिजाइनों को सेट कर लें। और एकदम पास पास में लगाना है, बीच में गैप नहीं देना है। और इसी तरह मैं सारे डिजाइनों को पूरा राउंड नेक में अटैच कर दूंगी। तो ये मैंने पूरे राउंड नेक में लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर डिजाइन हमारा बनकर तैयार है। आप इस आसान तरीके से ये सुंदर सी डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।